भाई सवाल पूछ रहे हैं कि गुस्से में अगर बोल दिया तलाक तलाक तलाक, मोबाइल पे बोल दिया, सामने बोल दिया, लिख के बोल दिया, तो क्या तलाक हो जाएगी? देखिए, वैसे मैंने एक तलाक के ऊपर एक पूरा लेक्चर मैंने दिए, दो लेक्चर दिए थे मैंने, एक तलाक के ऊपर, एक खुला के ऊपर, रिकॉर्डेड है, आप चाहे तो उसको देख सकते हैं, अभी प्रोसेस में चल रहे हैं इसको डालने। तो असल में जो है हमारे यहाँ पर जो ये तलाक़ें बताई जाती हैं, मजाक में बोल दिया तलाक, गुस्से में गिर दिया तलाक, जो कुरान में जो हमको बतलाया गया है कुरान के हिसाब से हमको लेंगे, नहीं तो फिर ऐसे तो इतना ऐसे ऐसे बताया गया कि इशारा ऐसे बोला, बोले ही नहीं, ऐसी भी तलाक है, बोले ही नहीं, क्या किया, इशारा कर दिया, चलो निकलो उधर से तलाक। अरे क्या दीन को मजाक समझ रखा है तुमने? मतलब ये कैसे हमने उसूल बनाए हैं, असल उसूल को समझे। अब वो वक्त नहीं है लेकिन फिर मैं आपको मुख्तसरन मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तलाक के लिए नियत होना ज़रूरी है, नियत होना ज़रूरी है। अब आपको गुस्सा आ रहा था, अब गुस्से में इंसान बोल देता है, लेकिन सबसे पहले नियत हो। मजाक के अंदर किसी ने बोल दिया तो भी हमारे यहाँ तो मजाक में मत बोलो। अब मजाक के अंदर जब तलाक कुरान में अल्लाह ने जब फरमाया, ये सूरह बकरा की आयत नंबर 224 से शुरू होती सब तलाक की आयत है, और उससे पहले जो अल्लाह ने वहाँ फरमाया उस ये बात शुरू करने से पहले तलाक की, कि जब तुम वो मजाक के ताल्लुक से नहीं कसम के ताल्लुक से फरमाया, कसम बड़ी है मजाक, कसम बड़ी होती है, तो वहाँ फरमाया अल्लाह ने कि अल्लाह तुम्हारी उन बेइरादा कसमों पे नहीं पकड़ता है जो तुम्हारे मुँह से निकल जाती है, लेकिन जिस कसम को तुम पक्का इरादा कर लो तो अल्लाह फिर तुम उनको उन पर तुम्हारी पकड़ है। तो अब फिर बात मजाक की, आपकी जब नीयत ही नहीं है और आपने मजाक में बोल दिया तो फिर तलाक नहीं होती। दूसरी वजह ये भी नहीं हो, ये भी है कि तलाक नहीं होने की, क्योंकि अल्लाह ने जो उसूल बनाया बताया कुरान के अंदर तलाक का, अल्लाह ने फरमाया कि जब पहले तो नीयत होगी इसकी, उसके बाद क्या तुमने, फिर अल्लाह ने खुद कहा कि जब तुमने पुख्ता इरादा कर लिया है कि अब मेरे साथ इसकी निभेगी नहीं, अब मुझे इसको तलाक देना है, तो अल्लाह ने फरमाया उसूल बताया कि अब तुम दोनों तरफ से एक एक बुजुर्गों को या ऐसे मुखिया को लेकर आओ जो ईमानदार होना चाहिए, जो ऐसा होना चाहिए जिसकी जो है समाज के अंदर कुछ हैसियत हो, ऐसे लोगों को दोनों को लाओ और उनके सामने फिर तुम ये अपनी बात रखो कि फला फला मसला है और ये वो है। उसके बाद अगर वो तुमको समझाएं तो समझा पाए तो ठीक है, उसका भी उसूल बताया कि इनको समझाओ और ये अगर मिलना चाहे तो रोको मत, ये भी फरमाएगा तो उनको बताया कि तुम इसको रोको मत। ये तो हमारे यहाँ तो दो तरफ से बुलाया जाता तो वो पहले तो तोड़ने पे तोड़ा, हमारे यहाँ तो जैसे किन्ने सुना तल्लाक खींचो दो ही साइड से रस्सी पकड़ के टूट गया रिश्ता इनका। अल्लाह ने कुरान के अंदर बताया कि, और मैं कुरान के अंदर जितने हमारे जो उसूल हैं, जो हमारी इबादतें हैं, जो नमाज हो गया हमारा, हमारी रोज़े हो गए, इसी तरह जकातें हो गई, हज हो गया, और तमाम जो भी हमारे इबादतें अमलियात हैं उनमें सबसे ज़्यादा अल्लाह ने बताया ही तल्लाक के बारे के अंदर, सबसे ज़्यादा डिटेल थी तल्लाक की, और उसी के बारे में हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा गलत फहमी है। वसूल क्या है कि सबसे पहले दोनों तरफ से दो जने को मुकर्रर किया जाएगा, फिर वो आपको समझाने कोशिश करेंगे, नहीं समझेंगे उनके सामने तलाक दी जाएगी, क्योंकि तो आपने निकाह दो गवाह रख के किया गया था, तो अल्लाह ने वसूल भी यही रखा है कि आपको ये तलाक दी जाएगी। निकाह का वसूल अल्लाह ने कुरान में नहीं दिया, हदीसों से मिलता पूरा, गवाह होगा, वकील होगा, पूछा जाएगा, वो सब वो उसके अंदर है, क्योंकि वो इतना वो नहीं था, अल्लाह को ये मालूम था कि इसी के अंदर सबसे ज़्यादा होना है, तो कुरान में अल्लाह ने पूरी डिटेल दे दी उसको कि दो ये होना चाहिए, वो दे दे, उसके बाद फिर तुमको तलाक देना है, दो गवाह रखना पड़ेंगे तब तलाक होगी। उसके अलावा आप फिर हमको एक गुस्से में दे दिया, मजाक में बोल दिया, इशारे से बोल दिया, फ़ोन से बोल दिया, ईमेल कर दिया, टेक्स्ट मैसेज भेज दिया, व्हाट्सअप पर दे दिया, फेसबुक पर दे दिया, कोई तलाक नहीं होता। उसकी वजह एक और है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो हमारी सुन्नत के मुताबिक अमल ना करे वो अमल रद्द है, वो माने नहीं जाएगा। तो वसूल क्या है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या बताया, जो कुरान का वसूल है वही बताया कि सबसे पहले तो दो गवाह रखो, नियत हो, दो गवाह हो, वो गवाह आ जाए, उनके सामने तलाक दी जाएगी। अगर ये प्रोसेस पूरी नहीं की और आपने रात में दे दिया, दिन में दे दिया, फ़ोन पर दे दिया, आपने उसके मुताबिक जो वसूल दिया था उसके मुताबिक अमल नहीं किया, तो क्या हुआ, वो अमल रद्द हो गया, वो अमल ही नहीं, खारिज है, माने ही नहीं जाएगा, तो तलाक होती ही नहीं। तलाक के लिए वसूल दिए, ये वसूल है कि सबसे पहले दो गवाह रखे, नियत हो, दो गवाह हो, दो गवाह के सामने दिया जाएगा, उसके बाद में फिर वो होगा, उसके फिर वसूल है, उसके बाद में फिर वो औरत घर में ही रहेगी,
बाहर नहीं निकलेगी। उसको अल्लाह ने दोनों को हुक्म दिया, मर्द भी ना निकाले औरत भी ना निकले, वहीं रहे 3 महीने तक, 3 महीने वहाँ पर हो जाए, और उससे पहले अगर सुलह हो जाती है तो दोनों साथ में रह सकते हैं, एक चांस ख़त्म हो गया। फिर उसके बाद में अगर उसके बाद में 3 महीने बाद उनको अकल आती है तो फिर निकाह करना पड़ेगा, साथ में रह सकते हैं। ये मसला है, तो ये है इसके बाद। इसके अलावा मैंने इसको डिटेल से लिया है, पूरा एक लेक्चर पूरा इसमें दिया था मैंने, उसके उसूल के तलाक का तरीका क्या है सही, तो ये उसमें तलाक का तरीका नहीं, तो फिर आप तलाक के तरीके सही नहीं रखेंगे तो फिर ये होगा, ये हुकूमत है आपके ऊपर सौंप गई है, ये आना ही है, तैयारी है इसकी, कुछ ही चंद महीनों में आना है आपको, वो होगा फिर वो ये तलाक मानी ही नहीं जाएगी। बल्कि आप तो पहले तो अल्लाह ने कहा, अगर ये बात मान लेते उसूल था, किसी ने बोल दिया गुस्से में कर दिया कुछ भी, लेकिन दो गवाह नहीं थे, कैसे भी बोला रद्द नहीं माना जाएगा, तो वही कानून अब आ गया। अब आपने बोल दिया तो एक तो तलाक मानी नहीं जाएगी, दूसरा कि 3 साल के लिए उठा के अंदर कर दिया जाएगा, एक और एक्स्ट्रा इजाफी। आपने नहीं माना ना अल्लाह का हुक्म, जो कुरान का उसूल था नहीं माना, अब ये देखो अल्लाह ने गिरोह के जरिए आप पर सौंप दिया। अब आपके बोलने 300 बार बोल दो, एक तो माना भी नहीं जाएगा और दूसरा उठा के अंदर डाल दिया जाएगा, मत मानो अल्लाह की बात, तो फिर ये गिरोह के जरिए आ जाएगा उसके अंदर, तो ये तो अल्लाह का उसूल है इंशाल्लाह।